कंपाउंड सेंटेंस डिवेलपमेंट डी स्टूडेंट्स मुझे आपसे इस मॉड्यूल में कंपाउंड सेंटेंस डिवेलपमेंट के बारे में बात करनी है uh, पहले हम uh, ये देखेंगे कि वट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस विच आर कंप्लीट ट्रू देट कैन सेंट स्टैंड अलोन एज अ सेपरेट सेंटेंस यानी वो दोनों ही अलग अलग सेंटेंस के तौर पर होते हैं जो स्टैंड अलोन यानी अकेले मीनिंग दे सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास इन अ कंपाउंड सेंटेंस आर टाइपिकली जॉइंट टूगेदर बाय कोआर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कौन से होते हैं सच एज एंड बट और नॉर फारो और येट फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट समरीज तो ये जो कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कॉर्डिनेटिंग uh, और कंजक्शंस uh, को जोड़ना पड़ता है उनसे आपने इनको दो सेंटेंसेस को जो इंडिपेंडेंट मीनिंग्स दे रहे होते हैं दोनों सेंटेंस उनको जोड़ के इनको बनाना होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जूस टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लासेस इन कंपाउंड सेंटेंसेस और ये डिफरेंट मीनिंग्स और रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस वो ज़ाहिर करते हैं फॉर एग्जांपल आई स्टडीड हार्ड सो आई पास एग्जाम शोज़ अ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाइल इज ट्राइड बट शी कीप्स वर्किंग शोज़ अ कंट्रास्ट तो मतलब कभी ये काज एंड इफेक्ट बताते हैं कभी ये कंट्रास्ट बताते हैं तो so, एग्जाम्पल अगर आप ये देखें इस आ, एक पिक्चर में भी अ कंपाउंड सेंटेंस हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस अब एक एग्जांपल देखें आई ड्रिंक ग्रीन टी बट दे ड्रिंक कॉफी ये दोनों अलग अलग इनके uh, मीनिंग्स हैं और बट से इसको ज्वाइन uh, किया गया है सो so, uh, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं अकॉमा इज यूजली प्लेस द कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस यानी एक सेंटेंस के बाद आप कॉमा लगा के या व्हेन जॉइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लासेस टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस फॉर एग्जांपल, आई फिनिश्ड माय वर्क एंड देन आई वेंट होम तो अब यहाँ इसमें एंड तो लगा है लेकिन उससे पहले कॉमा भी लगाया गया है द कंपाउंड सेंटेंसिस कैन ऑल्सो फॉर्म यूजिंग सेमी कॉलम्स इंस्टेड ऑफ कॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दिस कॉमन वेन द टू इंडिपेंडेंट क्लासेज आर क्लोज रिलेटेड मसला शी लवस टू रीड हर फेवरेट जैनर इज मिस्ट्री तो यहाँ सेमिकॉलन लगा के उन दोनों को सेंटेंसेस को जोड़ा गया है अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड सेंटेंसिस डिवेलपमेंट अलाउज फॉर मोर वेरिड एंड सोफिस्टिकेटिड राइटिंग बाई इनकोपरेटिंग कंपाउंड सेंटेंसेज यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज को मिलाते हुए राइटर्स कैन करेक्ट रिलेट थाट्स एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग आइडियाज आर शो कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप्स लीडिंग टू क्लियर एंड मोर एंगेजिंग क्यूमिकेशन तो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जाहिर करने के लिए वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या कंट्रास्ट के बारे में बताते हैं सो अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू मेन क्लाजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस जॉइन टूगेदर विद कंजक्शन आई लाइक कॉफी एंड आई लाइक टी पीटर वॉज लेट बट टेरिस वेटेड फॉर हिम आई कैन वॉक होम I can take a taxi. So, it is important to use the appropriate punctuation and conjunctions when developing compound sentences. तो so compound sentences में conjunction और uh, punctuations का इस्तेमाल करना जरूरी है uh, to ensure clarity and coherence in writing. यानी ये तहरीर में writing में एक link जाहिर करने के लिए तो अब इसकी भी एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं द कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शंस आर फॉर एंड नॉर बट और येट सो सो फैन बॉयस ये इसका एक acronym, एक्रोनियम्स है एग्जाम्पल uh, इसकी है ही वॉज टायर्ड फॉर ही वेंट टू बेड अर्ली आई कुक डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेज जेन हैज अड कार बट जिल हैज अ ब्लू कार तो इस तरह ये इनको मिला कर सेंटेंसिस को कंजक्शन वर्ड से मिला कर इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है